हाय किलो। हाय। नया दोस्त है क्या? हाँ भाई, इम्पोर्टेड डॉग, बहुत कॉस्टली है। इसकी खासियत जानते हो क्या है? गुस्से वाला है, घर में मक्खी भी नहीं आने देता। वो तो इसके भौंकने से पता चल ही रहा है। ऐसा नहीं है भाई, दूसरा कुत्ता उस घर में ना आए यही कह रहा है वो। और कोई खास बात? बहुत हाई लेवल का कुत्ता है ये। हाँ? ऐसा वैसा नहीं है कि इधर उधर मुंह मारे। देखिए, इसके पीछे खर्चा तो बहुत होता होगा, है ना? वैसे इसे ऐसी जगह पर लेकर मत, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बाहर लाए बिना कहाँ रह सकते हैं? ए कम 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 ओ कम, ये तो छूट गया। ओ कम कम डॉगी कम, उसे रोको, कहीं वो पानी में ना चला जाए। ब्रेकिंग न्यूज, आज पुलिस को चेन्नई के नंगानेलूर नदी किनारे समीपता नाम की 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की लाश मिली है। उसकी बेरहमी से हत्या करके उसकी बॉडी को प्लास्टिक की थैली में भरकर उसी हाल में फेंक दिया गया था। इस हत्या की क्या वजह है ये अब तक पता नहीं चली है और इसके बारे में पुलिस इंक्वायरी चल रही है। और एक बार प्ले करो। ओके सर। उस कुल्हाड़ी को खून लगा के एक क्लोज लेना है, भूलना मत। खून के साथ दिखाएंगे तो यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा सर, प्रोड्यूसर नाराज हो जाएगा। अरे कान के पास लाकर क्यों अलार्म बजा रहे हो? ऑफ करो इसे। ऑफ नहीं हो रहा सर। ज्यादा साइको किलर्स के किस्से से भरी हुई है। ये सब कुछ एक फिल्म के लिए जो अरुण कुमार करने वाले हैं। मेरा 12 साल का फिल्म का सपना और मेरी पहली फिल्म की कहानी के लिए ढूंढ ढूंढ कर ये सारी न्यूज निकाली हुई है। सर, राहु काल लगने से पहले ऑफिस में पहुंचना होगा, ऐसा प्रोड्यूसर का ऑर्डर आया है। अरे थोड़ा जल्दी करिए, टाइम हो रहा है, जल्दी कीजिए। अरुण कितने नंबर का प्रोड्यूसर है? उसका हिसाब नहीं है। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ओपनिंग शॉट टॉप एंगल से दिखाते हैं। ஒரு பொண்ணு அவ வேகமா ரோட கிராஸ் பண்ணி போறா। स्टोरी எல்லாம் தெரிஞ்சீங்க தான। स्टार्टिंग से एकदम डार्क के जैसा है। इस फिल्म में हम फैमिली को नहीं ला सकते भाई। एक काम करो, क्लाइमेक्स में एक बड़ा सा चेजिंग और फाइटिंग सीन रख दो, थोड़ा कमर्शियल पैकेज लगना चाहिए। आप एक फिल्म के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? ஆனா அவங்க ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட்னு சொல்லி வீணாக்கிடுவாங்க போலயேப்பா। கண்டிப்பா வீணாகாதரா। ட்ரெண்ட் ஷார்ட் फिल्म बनाना चाहोगे? ஷார்ட் फिल्म எடுத்துக்கிங்களா? अरे खाने का काम लगता है, ஷார்ட் फिल्म कैसे बनाएंगे?
75 साल से फिल्में ऐसे ही बन रही हैं क्या? உங்க அப்பா செத்து 1.5 வருஷம் ஆச்சு. நம்ம உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவர் காசு எதுவும் சேர்த்து வைக்கல. நல்ல பேரை தான் சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அதனால தான் அவர் பார்த்த எஸ்ஐ வேலையை உனக்கு தரேன்னு சொன்னார். இப்போ கூட மாப்பிள்ளைகிட்ட சொன்னா உனக்கு அந்த வேலையை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருவார். ஏ அருண், தூ எஸ்ஐ கே எக்ஸாம் கே பாரே மே சோச், பாக்கி மே தேக் லூங்கா. சமஜ் கயே நா? அருணே, இந்த மாச வாடகை அந்த டெட் பாடி கரெக்டர். ஆல் தி பிசினஸ். தேங்க்ஸ். स्टोरी तो मुझे बहुत पसंद आई। अरे क्या हुआ बताइए ना। नहीं, ऑफिस से आकर एडवांस ले लो। प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया। सुपर भाई, मैंने तुम्हारी कल कुंडली देखी तो तुम्हारी राशि और मेरी राशि मिल नहीं रही है। कहीं फिल्म में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, मुझे जरा सोचना होगा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं काम पर जाती हूँ, तुम कोशिश करते रहो। माँ, 26 साल की उम्र हो गई है, सब पूछते उनको जवाब दे देकर थक गई हूँ। आखिरी बार बता दे मुझे, हमें सुकून से जीना है, इसलिए तो कुछ काम करेगा या नहीं? सर, उस डेड बॉडी को हम अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। ओपनिंग शॉट में ब्लैक कलर की कार ऊपर से नीचे गिरती है। सर ने बुलाया था। सर बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए हैं, आएंगे तो 6 महीने के बाद कांटेक्ट करने के लिए कहा है। हेलो माँ, मैं जीजा जी से मिलने जा रहा हूँ। तेरे बाप के नाम से वो काम कंफर्म हो जाएगा, पर ऐसा ही के काम के लिए अपने को पॉलिटिशियन लगेंगे। तेरे भरोसे अप्लाई कर सकता हूँ ना? बेटा, डायरेक्शन छोड़ के एक्टिंग की तरफ चले गए क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर वो डेड बॉडी का कैरेक्टर? कोशिश करता हूँ। पर कब? बहुत जल्द। ऐसा लग रहा है तब तक मैं डेड बॉडी हो जाऊंगा। अरुण, फिल्म का ख्याल दिमाग से निकाल दे, तू यहाँ नया है, जो भी तुझसे कुछ पूछता है ना तो सिर्फ हाँ में सिर हिलाते रहना, यहाँ के सब लोग बैल जैसे हैं। चल जय सर। मुझे थोड़ा बाहर काम है, मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ वो तू बैठ ना, बैठ जा, कोर्ट में आ जाओ। तेरी तो बोल, जल्दी बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बता बता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोल जल्दी बोल बोल, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ए हेलो, इधर आओ। रिसेंटली तुमने ही ज्वाइन किया है ना? जी हाँ सर। अच्छी बात है, जरा इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो जिससे ये उगल दे। सर मैं आज ही काम पर ज्वाइन हुआ हूँ। क्या हुआ, पहले दिन उपवास है क्या? ए, इसके साथ ट्रेनिंग ले लो, अब तो तुम्हें रोज ही ये काम करना पड़ेगा। पकड़ो इसे। पुलिस बनकर मारने की बजाय बेवकूफों की तरह देख रहे हो? हाँ, इसे पकड़ो, ये लाओ इधर आ, ये देखो ऐसे ऐसे मारते हैं। ओके सर, लो पकड़ो। ठीक है। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? कोर्ट में बुलाया था, यूनिफॉर्म पहनकर एक्यूज को साथ लेकर कहानी बताने चले गए। अगर ये कहीं भाग जाता तो तू क्या करता? वैसे मैं कहीं भागता नहीं सर, कहानी बहुत ही अच्छी है। इसे भी कहानी सुना दी क्या? इसके बाद किसी को कहानी सुनाई तो फिर देखना। ओके सर। इधर आओ, मैंने कितनी बार कहा है मेरे आने तक रोड पर मत घुमा करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। हूँ देखो कितने गंदे हो गए हो। ओह ओह,
कितनी बार कहना पड़ता है, शाम होते ही डरते डरते काम करना पड़ता है। आज इसके पापा आएंगे तो आज फैसला करके ही रहूंगी। क्यों रे अमुदा, कितनी बार कहा है तुझसे 4:30 बजे तक घर में होना चाहिए। अमुदा, कोई नहीं था क्या? कोई सगे वाला है? पशुपति जी। सर क्या हुआ? मर्डर केस है सर। क्या बात है? मेरी बेटी एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, शराब पीकर मेरा पति गलत हरकत कर रहा था। बहुत कोशिश करके देखी मेरी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तुम्हारा पति करता क्या है? उसका ही सर काट दिया साहब। बेटा आज तेरी कौन सी एग्जाम है? हिंदी। पशुपति जी FIR बना दिया? कर दिया सर। उसे फाड़ दो, इस लड़की को एग्जाम के लिए लेकर जाओ। सर देखो जीजा से बात करके मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। बेटा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर एग्जाम दे दो। महालक्ष्मी इनकी ही सर, हम लोग बहुत परेशान है, प्लीज उसे ढूंढिए ना सर। ये भी इनके रिलेटिव है और ये कस्टम में है, इसलिए रिपोर्ट थोड़ी जल्दी। नहीं सर, वो स्कूल से आई ही नहीं। यस वो उस घर के बाजू से गुम हो गई है, इसलिए आजू बाजू के घर में CCTV कैमरा है, तो हमें जाकर उन्हें भी चेक करना होगा। यस सर। जब लड़की गुम हुई थी उस वक्त घर में कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स बना हुआ था, उसे देखकर पेरेंट्स बहुत डर गए। ये है वो गिफ्ट बॉक्स।